हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमलैब्स के कुछ रूटीन्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने लिए पर्सनली और एम ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो मैं वही रूटीन्स आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो आप कोवैक्स भी यूज़ कर सकते हो और एमलैब्स भी यूज़ कर सकते हो। मुझे एमलैब्स सही लगता है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका इंटरफेस ज़्यादा अच्छा लगता है कोवैक्स से। ओके, तो आपको एमलैब्स इंस्टॉल करना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें साइन इन करना पड़ेगा। जिनके पास अकाउंट नहीं होगा वो अकाउंट बनाएंगे अपना, ठीक है। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स चेंज करने का, ठीक है। तो आपको आना है यहाँ पे सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में आके आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना क्रॉस हेयर चेंज करना है। जो आपका इन गेम क्रॉस हेयर है वैलोरेंट का, जो आप यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है, 90% ऑफ द टाइम आपको वही क्रॉस हेयर यहाँ पर भी चेंज करना है, वहाँ यहाँ पर भी सेट करना है, ठीक है। देन टारगेट, जो टारगेट कलर आप वैलोरेंट में यूज़ करते हो एनिमीज़ के लिए, सेम आपको यहाँ पे बॉल्स के लिए यूज़ करना है, इन सर्कल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जो मेन सेटिंग है वो आपकी आती है अपना कंट्रोल्स में। कंट्रोल्स में आके आपको चेंज करना है गेम प्रोफाइल वैलोरेंट चेंज करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आई डोंट नो कौन सी होती है स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता यार, मैं भूल गया हूँ कौन सी होती है, ठीक है। तो आपको कुछ भी हो आपको आके चेंज करके क्या करना है, वैलोरेंट में सेट कर देनी है, ठीक है। देन एस्पेक्ट रेशियो होगी 16:9, ठीक है। सेंसिटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंसिटिविटी वही होनी चाहिए जो आपकी इन गेम है वैलोरेंट में, सेम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। जैसे 0.25 है तो 0.25 कर देना है, 0.78 है तो 0.78 यहाँ पे टाइप करना है एज इट इज, ठीक है। 0.786 है तो आपको 0.786 यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो स्किन्स वगैरह आप सेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो भी है इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी सेटिंग्स आप वैसे रहते ना नॉर्मल जैसे आपके होती हैं। किसी का अगर जो पर्सपेक्टिव है वो आपका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको डिफॉल्ट ही रहने देना है एंड देन सेव चेंजेस, ठीक है। सेव चेंजेस की एंड देन कन्फर्म पे क्लिक करना है, दैट्स इट, और आपकी सेटिंग्स सेव हो जाएंगे। ओके, ऑलराइट, सेटिंग्स डन। अब बात करते हैं अपने ट्रेनिंग के बारे में। जो फर्स्ट टास्क है आपका वो है ग्रिड शॉट, ठीक है। आपको यूज़ करना है ग्रिड शॉट अल्टीमेट, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, फोकस करना है ओनली फॉर एक्यूरेसी, ठीक है। आपको यहाँ पे ज़्यादा स्पीड पे फोकस नहीं करना है, जिससे आप अपने एक्यूरेसी ख़त्म कर दो, ठीक है। एंड एक और चीज़, आप जब लेटर बोर्ड पे जाओगे तो आप देखोगे कि यार वहाँ पे तो स्कोर्स बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, और मेरा स्कोर तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यार वहाँ पे फोकस नहीं करना है आपको, क्योंकि आपने एमलैब को यूज़ करना है अपने एम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। बाकी का आपका जो एम होगा वो गेम इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एम लैब में हाई स्कोर बीट नहीं करना है, आपको वैलोरेंट में अच्छा बनना है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे उसके हाई रैंक्स के ऊपर, सॉरी हाई स्कोर के ऊपर फोकस मत करना, ठीक है। अपना सिर्फ एम ट्रेनिंग करो, यहाँ पे आके वार्म अप करो एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट रूटीन, एंड एग्जिट करते हैं। और जो आपको सेकंड आएगा वो है सिक्स शॉट अल्टीमेट, सिक्स शॉट अल्टीमेट, ठीक है। अब ये है स्मॉलर टारगेट्स के लिए, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ठीक है। तो जितना आराम से क्लिक करोगे उतना सही रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करना है इस तरह से, और ध्यान रखें आपको जो टारगेट्स होंगे आपके कोई ऐसे जाना है आपको, जैसे एक टारगेट से दूसरे टारगेट पे जाने के लिए क्या करना है, क्लिक किया देन डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल, मतलब कि जो आपकी मूवमेंट की लाइन है वो कर्व में नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कर्व में नहीं होनी चाहिए। अगर कर्व में होगी तो फिर यार फिर फायदा नहीं, ठीक है। जितना आराम से क्लिक करोगे उतना सही रहेगा, ठीक है। अगर मिस क्लिक होता है कोई तो उसके ऊपर क्लिक नहीं करना दोबारा, ठीक है, आप टेक्स्ट पे मूव कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका स्पाइडर शॉट, ठीक है। स्पाइडर शॉट आपको यूज करना है अल्टीमेट, ठीक है।
और आपने जितने भी आपको मैं जो टास्क बता रहा हूँ वो आपको क्या करना है, 3 टाइम्स करने हैं एवरी डे। गेम से पहले आपको आना है, एम लैब ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी टास्क मैं आपको बता रहा हूँ वो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको पहले आके ग्रिड शॉट करना है देन सिक्स शॉट करना है, ठीक है, आप अपने किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। बट जो ग्रिड शॉट है वो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ वार्म अप के लिए, ठीक है। मैं उसको ऐसा नहीं कि भाई उसमें ज़्यादा मेरे को स्कोर बनाना है हाई, ठीक है। और सिक्स शॉट में मुझे बेसिकली मुझे किसी में भी हाई स्कोर नहीं बनाना है, मुझे यहाँ पे आके अपना वार्म अप करना है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप इसको अपना एम इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव हुआ है इसकी हेल्प से, ठीक है। मैंने अराउंड इसको 1 और 2 मंथ्स नॉन स्टॉप यूज़ किया था, डेली अराउंड 20 to 30 मिनट्स, ठीक है। और जो इम्प्रूवमेंट थी भाई एकदम गजब की थी, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ऐसे नहीं कि भाई मैंने एक दिन किया और दूसरे दिन छोड़ दिया, ठीक है, फिर 2 दिन किया और तीसरे चौथे दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। ओके, जो नेक्स्ट है वो है होड शॉट, ठीक है। अब होड शॉट काफ़ी अच्छा टास्क है, आपको इस पर भी अगेन हेड्स पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ा स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा यार, क्योंकि ये जो टारगेट्स हैं देखो अगर मैं क्लिक नहीं करूँगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे घुस जाएंगे इधर जैसे, ठीक है। अभी देखना इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे यहाँ पे, ये देखते जाओ, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। ये अगर इस तरह से हो गया तो यार फिर तो फायदा नहीं है, आपको जितने दूर रहेंगे उतना फायदा है, ठीक है। तो आपको इनको फटाफट से क्लिक करके मैं खत्म करता हूँ, नहीं तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो जैसे वहां पे वहीं पे उसको क्लिक करके खत्म कर, भाई बहुत तेजी से आ रहे हैं, ठीक है। मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ यार, क्योंकि आजकल मैं सिर्फ इन गेम रेंज में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ पे नहीं करता हूँ, ठीक है। इसको आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो अपना जस्ट फॉर वार्म अप, ठीक है। तो ये रहा आपका होड शॉट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है मल्टी लाइन ट्रेस अल्टीमेट, ठीक है। ये काफी अच्छा टास्क है, आपके जो मूवमेंट है क्रॉसर की, ठीक है, वो ऐसे इंप्रूव होगी। तो आपको क्या करना है, इस ग्रीन लाइन को फॉलो करना है, ठीक है। एक क्लिक को एक टारगेट को क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट पे ग्रीन लाइन को फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह से ग्रीन लाइन के अंदर ही आपका क्रॉसर होना चाहिए, ठीक है। काफी अच्छा टास्क है ये, इससे आपकी जो क्रॉसर की प्लेसमेंट है, ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है, और टास्क स्विच जो करते हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। तो इसमें आगे ना आपको एक्यूरेसी, ठीक है, आराम से भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। चल चल इजी स्लो एंड स्टडी, ठीक है। आपको इस तरह से अपना यहाँ पे एम इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसको फिनिश कर ही लेते हैं ओके तो नेक्स्ट टास्क है स्ट्रेफ ट्रैक, स्ट्रेफ ट्रैक अल्टीमेट। बेसिकली ये टास्क काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टारगेट्स के एनिमीज के टारगेट्स को आपको क्या करना है, उनको ट्रैक करना है। कई बार होता है कि भाई आपके सामने से बंदा चला जाता है गुजर के तो आपको पता नहीं चलता, ठीक है, उसको मतलब शूट कर नहीं पाते हैं प्रॉपरली उसको, ठीक है, और वो आपको वापस मुड़ के शूट कर देता है, ठीक है। तो आपको ये जो टास्क है उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप उनको एनिमीज को काफ़ी अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने जो सामने टारगेट्स दिख रहे हैं उनके ऊपर आपको बस अपना क्रॉस हेयर प्लेस करके रखना है और ट्रैक करना है, ठीक है। और बहुत तेजी से जा रहा है यार ये, अरे भाई
ठीक है यार, बताऊँ कैसे ना, इसको आप डेली करोगे तो आपका इम्प्रूव होगा। ठीक है, अब मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो सिर्फ आजकल इन गेम में जो रेंज है वहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ। पर फिर भी आई थिंक थोड़ा सा डिसेंट स्कोर बना दूंगा, बहुत ही बेकार स्कोर बनाया। ओरिजिनल मेरा स्कोर है 63,000 टाइम। ओके, तो ये थे कुछ टास्क जो मैं डेली यूज़ करता था एम ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब मैं करता हूँ, कभी कभार कर लिया, ठीक है, अपना जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर वार्म अप ग्रेट शॉट यूज़ करता हूँ, सिक्स शॉट यूज़ कर लिया, प्रैक्टिस के लिए करता हूँ, सॉरी अपना वार्म अप के लिए करता हूँ। तो आप भी इसको वार्म अप के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको स्टार्टिंग में अपना, जैसे अगर आप आयरन रैंक पे हैं या फिर अपना ब्रॉन्ज रैंक पे हैं, तो आपको भाई इसको फॉलो करो रूटीन को, आपका जो गेम है, आपका एम है, डिसेंटली इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना यार। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।